बड़ी खबर है बिहार का त्योहार, मुखिया जो है ग्राम प्रधान किया ऐसा काम जो पूरी समाज हो गया शर्मसार। खबर बिहार के कटिहार जिले से आ रही है, जहां पंचायत के मुखिया जिसे गांव का प्रधान कहते हैं, एक महिला के साथ किए ऐसे घिनौने काम जो पूरे समाज के साथ साथ पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के आजम नगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जोकर पंचायत की। यहाँ के मुखिया लगातार दो बार तनवीर आलम है, जिस पर उसी पंचायत की रहने वाली एक महिला ने मुखिया तनवीर आलम पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि मैं आशा दीदी के पद पर नियुक्त होने के लिए मुखिया तनवीर आलम के पास गई थी, तभी से यह मुखिया मुझे प्रेम जाल में फंसा दिया। मेरे साथ लगातार 7 सालों तक मुझे शादी का प्रलोभन देकर मेरे साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते आ रहा था। मैं जब जब विरोध किया करती थी तब मुझे तरह तरह के प्रलोभन दिया करता था, जबकि मुझे कटिहार के लालियाही में एक कमरा किराए पर दे रखा था। लगातार मेरे साथ कमरे में रात बिताता था और मेरे पास दुष्कर्म किया करता था। जब सारी हदें पार कर दी तो मुखिया, तो अब मैं महिला थाना में आवेदन देकर इंसाफ मांग रही हूँ। वहीं आशा दीदी बनाने के नाम पर मुखिया 7 सालों से महिला की लूटती रही इज्जत, 7 सालों से शादी का प्रलोभन देकर बनाता रहा शारीरिक संबंध, मुखिया शादी से किया इनकार, तो महिला आला अधिकारियों से इंसाफ की लगा रही है गुहार। वहीं मुखिया इस मामले को लेकर बताया साजिश, तो वहीं महिला कई सबूतों के साथ मीडिया को दी जानकारी। मुखिया ने महिला के मांग पर 2 बार सिंदूर देकर बना कर रखा था पत्नी, महिला के पास कई साक्ष्य है मौजूद। कटिहार ब्यूरो संवाददाता इकबाल की खास रिपोर्ट। मामला ये है कि आजम नगर पंचायत, आजम नगर प्रखंड के चौकर पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद, उससे हमारा रिश्ता करीब 7 साल से है और वो बार बार हमसे शादी करने के लिए कहा, पर शादी नहीं कर रहे हैं। और 7 तारीख को यहाँ पे लल्याई में मेरे साथ रहा भी 7-8-9 तक, और सहायक थाना में रात को पकड़ा भी गया था। उसके बावजूद वहाँ पे वो लिख के भी दिया, अपना स्टेटमेंट लिख के दिया है कि 7 तारीख को ही रात को लिख के दिया है कि हम 9 तारीख को बिंदु के साथ कोर्ट से शादी करेंगे, पर वो 10 तारीख को सुबह ही भाग गया यहाँ से। 9 तारीख को कहाँ पकड़ा गया था? वो बस स्टैंड वाला है ना थाना, वहीं पे पकड़ाया था। उसके बाद वहाँ से सहायक थाना आया गया था। क्या कर रहे थे? नहीं, वो 7 तारीख को जैसल हम दिल्ली जा रहे थे, पर वो दिल्ली जाने नहीं दिया हमको। वो हमको समस्तीपुर से वापस बुला लिया, बोला कि तुम आज आ जाओ, हम शादी करेंगे। और वकील से बात करके, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग हमको भेजा था कि बिंदु आ जाओ, हम शादी करेंगे फाइनल। वकील का रिकॉर्डिंग भेज रहे तुमको, तो हमको समस्तीपुर में ज़बरदस्ती उतारा गया, हम उतरे। उसके बाद घर लाया गया रूम में, जहाँ हमको रखा है रूम में। सारा बात होने के बाद वो रात भर रहा, सुबह वो कहीं काम में गया था, जो उसके बाद काम किया कटिहार में, करने के बाद 3 बजे फिर वहाँ गया था। फिर मेरे साथ जो शायरी संबंध था वो करके बस बोला कि आज हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। इसी बीच में हम शादी का बात छेड़े तो मारपीट किया, और मेरे कान से जो मारा है तो वहाँ बुलेट भी निकला है मेरे कान में। मारपीट कौन किया? मुखिया जी मारे थे हमको। कौन? मुखिया जी। मुखिया जी? हाँ। क्या नाम है उसका? तनवीर अहमद। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद मारने के बाद वही वो भाग रहा था, उसी में हम पीछा किए। पीछा करने के बाद बस स्टैंड में पकड़े उसको, पकड़ के फिर वहीं जो थाना है वही थाना लेके गए। वहाँ पे उसको कुछ देर रखा गया, वहाँ का सहायक थाना का जो श्याम नाम है छोटा बाबू का, वो उसी सर के पास है वो कागज़ जो बना था कि 9 तारीख को कोर्ट मैरिज करेंगे, पर वो 9 तारीख को सुबह भाग गया। अच्छा, कितने साल से आपसे इसके साथ? 7 साल से। 7 साल से? हाँ। अच्छा, लगातार आपको क्या कहा जा रहा है 7 साल से? शादी करेंगे। शादी करेंगे? हाँ। तो क्या आपके साथ शारीरिक संबंध भी किया? 7 साल से। कितने साल तक किया वो? 7 साल से, बस एक दिन। 7 साल से ही कर रहा है वो शारीरिक संबंध? हाँ, बस 8 महीना गैप था, क्योंकि 8 महीना हम दिल्ली चले गए थे उसको छोड़ के। हाँ। तो वो क्या कहे कि आपके साथ? पत्नी का रिश्ता। पत्नी कह के? हाँ, 2 बार मेरा सिंदूर है। रेडी में कौन पोस्ट पर हैं आप? नहीं, आप किसी पार्टी में भी हैं? पार्टी में थे, निकल गए। कौन पार्टी में थे? आरजेडी में। आरजेडी में किस पोस्ट पर थे? प्रखंड अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ में। हाँ, निकल गए। कब निकले? वो मुखिया जी मना कर दिए, तो 2-4 महीना बाद। दो
चार महीना हो गया? नहीं, दो साल हो गए। दो साल हो गए ज्वाइनिंग नहीं किए थे, चार महीना चलाए। उसके बाद वो मुखिया जी बोला कि तुम नहीं, किसी से बात नहीं करेगी, दबाव देने लगा। पूरा डील वही करने लगे आपको? अभी हम कहीं का नहीं है, ना तो मायके जा सकते हैं, ना रूम से। तुमको भगा ही रहा है अभी किराएदार बोला, वो क्या मालिक, वो बोल रहा है कि आप यहाँ से खाली कीजिए, उसकी वजह से, क्योंकि वो माहौल खराब करके गया है। ऑटोमेटिक हमको भगाएगा ही। पहला वाला पति को वही छोड़वाया? कौन छोड़वाया? मुखिया छोड़वाया। अब तो आप पति के भी नहीं रहे, मायके का भी नहीं रहे, ना मायके का, ना कोई दोस्त यार का, ना ननिहर का, कहीं का नहीं। अभी कहाँ आई हुई हैं? अभी हम आए हैं महिला आयोग थाना कचहरा। महिला थाना में आवेदन दे चुकी हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहा गया यहाँ? अभी कुछ बोला नहीं है मैम, बोला है कि हम इंक्वायरी करेंगे। क्या लिखी हैं आप आवेदन में? जो मेरे साथ हुआ है वही घटना लिखी है। आपका कौन सा पंचायत है? जोकर पंचायत। रहने वाली जोकड़े की है? हाँ। पहली शादी कहाँ हुई थी आपकी? वही बगल में। बगल में ही? हाँ। और वो मुखिया किस पंचायत के हैं? वही जोकर का। क्या नाम है उसका? तनवीर अहमद। प्रखंड? आजमगढ़। थाना? आजमगढ़।